4/21 को प्रार्थी ने पुलिस थाना कोतवाली में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है और उसकी नाबालिग पुत्री जो घरेलू सामान लेने दुकान पर गई थी उसका अभियुक्त जबरन अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया है। उक्त मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश हुआ। माननीय न्यायालय में कुल 12 गवाह और 35 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। आज मामले की अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय पोक्सो डूंगरपुर ने अभियुक्त को दोषी माना है। अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।